नमस्कार, मैं नौवीं क्लास की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी मॉडल एक्टिंग प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफी प्रदान करना। मैं एग्जाम फियर के द्वारा आपको एक एक्ट दिखाना चाहता हूँ। आशा है मेरी आपसे कि आपको यह एक्ट पसंद आए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में आप देख रहे हैं, यह एक छात्र है, एक ऐसा छात्र जो परीक्षा से पहले तो स्कूल में जाता नहीं है, लेकिन हाँ परीक्षा के आने पर वह हर सब्जेक्ट को कोसता है। कैसे? कमीना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब को कोसता है। कैसे? आइए देखते हैं। लेकिन हाँ हाँ, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बीच बीच में आप कार्य जरूर बजाइए। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1867। हे प्रभु, हे प्रभु, इस दास की इतनी तो सुन लीजिए। इस बार तो मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता किसी से, ना मौत से, ना तूफान से। भगवान, तीन बार फैल होने से कांपने लगी है रूह मेरी इस कष्टदार इंतहाम से। इस भयानक भूत को किसने किया आजाद था? अरे वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था? पाठ पढ़ना याद करना, याद करके सोचना, सोच करके लिखना, अरे लिख करके फिर से सोचना, क्या है ये? टाए डाटा रोज रखता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पर रखता हूँ प्रभु। कौन सा अभिशाप है रात को रखता, मगर दिन में मैदान मिलता साफ है। अंग्रेज चले गए और मुझ जैसा बोला वाला मासूम सा छात्र पी गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को। अरे मैं समझ पाया ना इस बेबुदे भूत को, गणित के अतिरिक्त और मुझे कुछ भाता नहीं।
अरे क्या करूँ, गुनाह करना तो मुझे आता नहीं है। अकल अलजेब्रा मारी जाएगी जड़ से बचा, अरे तीन में से छह गए तो और क्या बाकी बचा। अब तीन में से छह भी जाते हैं, बोलो। भगवान को पाना सरल है, सहज है, आसान है, लेकिन इतिहास को याद करना मुश्किल है, नामुमकिन है। नाश हो इतिहास तेरा, सन के समुद्र बह गए। कौन कब मरा, कौन कब पैदा हुआ, कौन कब युद्ध में गया, कब किसका बच्चा पैदा हुआ। अरे तीन तीन तो पानीपत के युद्ध थे, कैसे याद करूंगा मैं। अब जब कुछ याद नहीं होता तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, एक पर्ची ली और उसमें लिख दिया कि पानीपत का पहला युद्ध इस सन में, दूसरा इस सन में और तीसरा इस सन में, ले गया। मैडम ने पर्ची देख ली, पर्ची ले ली मैम ने और पर्ची फाड़ दी, थप्पड़ दी, हमारे बोली चीटिंग कर रहा है। अरे वो चीटिंग नहीं थी, वो तो एक निपात छात्र की आपातकालीन थी। अरे नाश हो इतिहास तेरा, सन के समुद्र बह गए। मर गए वो लोग, अब क्या रोने के लिए हम बाकी रह गए। अब ज्योग्राफी भैया इतिहास का भाई कह लो, बहन कह लो, नाता नाती कुछ कह लो, कम बदमाश सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी नहीं है और कम बदमाश सब्जेक्ट ज्योग्राफी भी नहीं है। भूगोल पर्सन ने एक प्रश्न पूछा मुझसे, बताओ कैसे है गोल है कैसे धरा। अरे मुझे क्या पता, मैं उसका दूरबीन लेकर बैठा हूँ, पर इसका उत्तर मैंने दिया एक पल में खरा। गोल पापड़ गोल है, गोल लट्टू गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए मास्टर जी धरा भी हमारी गोल है। मास्टर जी खुश हो गए इन्हें पुस्तक इन्हें अक्षरों के ज्ञान से और लिख दिया मेरी कॉपी में ये शान से, अच्छा बेटा तुम्हारी लिखनी की गोल है तो नंबर भी तुम्हारे गोल है। अब दो बार फेल हो गया था मैं, कुछ तो करना था। मैंने क्या किया, पेपर थे मेरे और मैंने पेपर में 100 का नोट रख दिया और लिख दिया चल मेरी कॉपी गुरुजी के पास, नंबर लाइए पूरे 50 है। और रिप्लाई में पता है क्या आया, सर ने लिख दिया चल मेरी कॉपी चेले के पास, 0 से ऊपर करियो नाश है। और मेरा 100 का नोट भी रख लिया। तीसरी बार भी खुद उसने फेल कर दिया मुझे। हे दयानंद, मैं हर तरफ से दया का पात्र हूँ। नाम है मयंक मेरा और 10वीं में 3 बार फेल हो चुका छात्र हूँ। धन्यवाद। निर्णायक मंडल के सदस्य, वे मेरे गुरुजन, वे मेरे प्रिय बहन, आप सभी के सामने एक प्रस्तुति पेश करना चाहते, मुझे आशा है कि आप सभी को पसंद आएगी। हेलो, मेरा नाम है छोटू, सब मुझे छोटी कहते, पर पता नहीं क्यों छोटी ये कर ले, छोटी वो कर ले, सारा दिन छोटी कह कह के मेरा दिमाग खराब करके। आप सभी मेरी फैमिली से मिलना चाहोगे ना, चलो तो आपको मेरी फैमिली से मिलना। ये है मेरे भैया जो कि मुझे 17 साल की उम्र में छोड़कर चले गए। भैया 17 साल की उम्र में कमाने लगे थे, पापा शराब पीते थे जिसके कारण भैया को मजदूरी करनी पड़ी और अच्छा खाना पीना न होने के कारण मेरे भैया की मौत हो गई। ये है मेरे पापा के कारण मेरी पूरी फैमिली छिन गई, मेरी जिंदगी। ये है मेरे भैया, बड़े भैया, कहने में तो बड़े हैं लेकिन जिम्मेदारियों में एक भी बड़े वाला चीज नहीं है। हर रोज सट्टा लगाते हैं, हर रोज आते हैं और माँ से पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। और ये मेरी सब कुछ मेरी जिंदगी, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मेरी माँ मेरे लिए जिंदगी थी, मेरी खुशी थी, मेरा सुकून थी, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चली गई। पता नहीं क्यों लोग सब मुझे पागल कहते हैं, ये बोलते हैं लड़की तो पागल हो गई है, अपनी माँ से बातें करती हैं। अरे इसकी माँ तो मर गई है लेकिन ये फिर भी अपनी माँ से बातें करती हैं। लेकिन मुझे लगता मैं पागल नहीं, ये दुनिया वाले पागल हैं जो इन्हें पता नहीं कि मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ मेरे पास है, मेरे दिल के अंदर है। मुझे लगता है मेरी माँ मुझसे मिले जरूर आएगी, वो अभी मेरे बड़े भाई के पास है लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मुझसे मिलने आएगी। लेकिन कभी कभी मैं सोचती हूँ कि माँ मुझसे कभी नहीं मिलने आएगी। जब मैं माँ को बुलाती हूँ तो माँ मेरा
बातों का जवाब नहीं देती, मैं क्या करूं? आप सब तो जानते हैं कि एक लड़की की जिंदगी में माँ कितनी जरूरी होती है, कितनी जरूरी होती है एक लड़की, एक माँ एक लड़की की जिंदगी में। और मेरे भैया वो तो शट्टा लगाते हैं, आप देखना आप सभी वो कैसे आएंगे और मुझसे माँ के बारे में पूछेंगे। छोटी कहाँ है तू, कहाँ गई, दरवाजा खोल। छोटी कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, दरवाजा नहीं खोला क्या अभी तक? मैं ही खोल लेता हूँ। छोटी कहाँ गई तू, माँ कहाँ पे है? छोटी पैसे चाहिए थे, पैसे कहाँ पर रखे हैं बताओ जरा, मुझे अभी पैसों की जरूरत है। माँ कहाँ हो आप? छोटी माँ कहाँ गई, मर गई है क्या? अभी तक जवाब क्यों नहीं दी मेरी बातों का? बस कीजिए भैया, बस कीजिए, सिर्फ आपकी वजह से, आपकी वजह से मैंने मेरी माँ को खो दिया, सिर्फ आपकी वजह से, आपके कारण मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अरे मुझे ये तो बताइए कि ऐसा कौन सा नशा है जो मेरी माँ से बढ़कर हो सकता है? अरे ऐसा कौन सा नशा है जो एक बाप को ये भुला देता है कि उसका एक छोटा सा बेटा भी है? अरे ऐसा कौन सा नशा है जो एक बेटे को ये भुला देता है कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या क्या किया है? भैया मैं अनाथ हो गई, सिर्फ आपकी वजह से आज मैं अनाथ हो गई। भैया अब इस आग में आप जलेंगे सिर्फ, भैया मैं आपका साथ नहीं दूंगी। अब मैं घर छोड़ के जा रही हूँ भैया, सड़कों पर भीख मांग लूंगी लेकिन आपके पास वापस नहीं आऊंगी। भैया मैं जा रही हूँ। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, घृणा हो रही है मुझे माँ बने आप से। आज मेरी शराब पीने की, सट्टा लगाने की वजह से आप मुझे छोड़कर चली गई माँ, चली गई। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा माँ, माँ वापिस आ जाओ माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं कसम खाता हूँ माँ, आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा माँ, माँ वापिस आ जाओ, माँ वापिस आ जाओ। कच्चे रंगों की सजावट देखी, रिश्तों में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, रिश्तों में मिलावट देखी, सालों साल देखा है माँ को, ना उसके चेहरे पर थकावट देखी और ना उसके प्यार में मिलावट देखी। थैंक यू। इसके ऊपर क्या पेंट वगैरह भी करोगे बेटा क्या? ना लेके आए होंगे थोड़ा बड़ा, मैंने कह दिया कपड़ा वगैरह जो नहीं, जैसे मान लो सूख जाए, सूखने बाद तो पेंट करते। सही मूर्ति देखना, शेप कितनी अच्छी बना रखी है बच्चों ने। तुम तो बेटा फाइन आर्ट का कर लेना, पढ़े हो के परफेक्ट हो, बहुत अच्छा बना रखा है। कौन से स्कूल से हो? ये क्या मोर? इस पे क्या बनाओगे बेटा आप? अच्छा टूरिस्ट पैलेस है, ये देखिए बच्चों का टैलेंट देखो कितना अच्छा टैलेंट है, टूरिस्ट पैलेस। जैसे अनूप सर ने नहीं बनाया था यूं प्लेस बना रखा था टूरिस्ट पैलेस, सही? पेंटिंग। ये कौन से कलर होते हैं बेटा? पोस्टर कलर। अच्छा पेपर भी अलग सा चिकना चिकना सा ना बना लागे। देखिए झूठा पड़े हो तो शिव जी देख रहे हैं, शिव जी अच्छा देख मैं इनका देखो बोला। आप क्या बना रहे हो बेटा? ये मोर कौन से स्कूल से हो? अच्छा
ये देखो भाई कितना अच्छा बना दिया इस बच्चे ने, शिव जी की मूर्ति। वाह भाई वाह। कौन से स्कूल से बेटा आप? कौन से? नरवाना। नरवाना से? मेहनत पूरी लगती है। ये देखो ये बना रहे हैं, मतलब जो इन्होंने दिखाया है पुराने टाइम का वो दिखाया आपने है ना। ये चूल्हा, वो केटली, चकला बेलन, ये देखो भाई चिकनी मिट्टी से बच्चों ने कितना अच्छा अच्छा कलाकारी कर रखी है। और ये कंप्लीट नहीं है, परी बना रहा है। ये परी बनाने लग रहे हैं भाई, बच्चे खो रहे हैं कते। उसने वो डोर भी बनाई है। ये देखो, ये देखो भाई हरियाणवी कल्चर दिखा रहे हो आप है ना बेटा। कौन से स्कूल से हो? अकेली बना रही है। ये आने के बाद स्टार्ट किया था बनाना पूरा है? अच्छा, कपड़े घर से बना के लाए हो? यस मैम, वो सिलाई से सिली नहीं सिली। अच्छा अच्छा, देखो इधर। वेरी गुड। ये देखो भी आज स्कूल के अंदर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा है और बच्चों की एक्टिविटीज में देखोगे आप डांस, मोनो एक्टिंग, ये बच्चों की पेंटिंग, हैंडक्राफ्ट देखो। गुड मॉर्निंग बेटा, कौन से स्कूल से हो? मैम गवर्नमेंट स्कूल से, बड़ौदा। बड़ौदा से? ये आपने सांझी बनाई है ना? वेरी गुड। देखो भाई कितनी बढ़िया सांझी बनाई है बच्चे ने, टैलेंट बच्चों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। ये इसने अभी स्टार्ट किया। आपने अभी स्टार्ट किया? लेट आए हो बेटा आप थोड़ा सा। अच्छा, क्या बनाओगे? देव उठाने। अच्छा अच्छा, देव उठाएगी। देव उठाएगी। देखो भाई यूं कहते हैं कि कला जो है हर किसी में कुछ ना कुछ कला जरूर होती है। अब इतने बच्चों को देखो, किसी में कोई कला है, किसी में कोई कला है, तो भाई अपने बच्चे को हुनरमंद बनाओ। श्री जी टी प्लस मोड़ा से आज आपके सामने अमर शहीद वीर भगत सिंह के जीवन का जलियांवाला बाग का वो क्षण जिसने उन्हें झकझोर कर रख दिया और उन्हें क्रांति की तरफ अग्रसर किया वो दिखाऊंगा। मैं आपसे आगे चाहता हूँ ये मिट्टी, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं है, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है जहाँ इन अंग्रेजों ने हमारे देश के निहत्थे लोगों को मारा था। मैं मेरे पिताजी से पूछता रहा कि आखिर उन लोगों का क्या दोष था, उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और शायद मैं भी कुछ समझ नहीं पाया। मैं इन अंग्रेजों का जुल्म देखता रहा,
इन लोगों ने मेरे चाचा, मेरे ताया, पिताजी सभी को झूठे उनको जुर्म फंसा कर जेल में डाल दिया, उन पर जुर्म किए। मैं वाहेगुरु जी से पूछता हूँ कि आखिर कब हमारा बचपन खिल जाएगा, कब हमारी गलियां हमारी अपनी होंगी, कब इन जुर्मों का अंत होगा, कब बुजुर्गों की टोली में खुशहाली की बातें होंगी, कब, आखिर कब तक। तब से मैं अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए इस जलियांवाला बाग की मिट्टी को अपने साथ रखता हूँ, ताकि ये मुझे मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जो कि है आजादी। जब बहता खून से ही दोपा तकदीरें पलटी कौमों की, लेकिन हमें आजादी प्राप्त करने के लिए सिर्फ खून ही काफी नहीं है। मेरे बाबू जी कहते हैं कि हमारे पास अंग्रेजों से लड़ने वालों की संख्या तो बहुत है, लेकिन हमारे पास हथियारों की कमी है। अब हम गोली नहीं खाएंगे, बल्कि गोली मारेंगे। गोली मारेंगे अंग्रेजों को, जिन्होंने हमारे देश के निर्दोष लोगों को मारा है। हमारे देश को गुलाम बनाने वालों का अस्तित्व समाप्त कर देंगे। मुझे स्मृति कसम, मुझे शहीदों के खून की कसम, मैं उनकी मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लूंगा। खून बहाना कोई बड़ी बात नहीं, चाहे वो अपना हो या सामने वालों का। बड़ी बात तब है जब जिस्म से टपकते खून की हर एक बूंद से आने वाली नस्ल के सारे खून में आग लग सके। ऐ मेरे जलियांवाले बाग की पाव मिट्टी, तू अपने अंदर से इतनी चीजें पैदा करती है, क्या तू अपने अंदर से बंदूक और बारूद पैदा नहीं कर सकती? तू अपने अंदर से सैकड़ों बंदूकें और बारूद पैदा कर, ताकि मैं अंग्रेजों की गोलियों का जवाब गोलियों से दे सकूं और तुझे इनसे मुक्त करा सकूं। फिर चाहे मुझे इसके लिए फांसी पर क्यों चढ़ना पड़े, मैं हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊंगा। क्योंकि जब मैं 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, जब वे शहीद हुए थे, तब मैं केवल 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के बीच पला बड़ा हो, ये अंग्रेज सरकार सोच भी कह सकती है कि मैं उनको माफी नामा दूंगा? हरगिज नहीं। मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन कभी भी इनको माफी नामा नहीं दूंगा। दूसरों के कंधों पर वस्तु चला है यारा, जिंदगी अपने शब्दों पर जी जाती है। प्रेमी, पागल, कवि सब एक ही मिट्टी से बने हैं। ये देश ही मेरा पागलपन है, ये देश ही मेरी कविता है, इस देश की आजादी ही मेरी दुल्हन है। और तू तो जानता है, तू तो जानता है कि मैं पागल हूं, लेकिन एक बात याद रखना, एक बात ध्यान रखना, राग का हर कण, राग का हर कण गतिमान है मेरी गर्मी से। मैं वो पागल परिंदा हूं जो जेल में रह कर भी आजाद है, मैं वो पागल परिंदा हूं जो जेल में रह कर भी आजाद है। लाख अबम मैं अपनी इस पावन धरती पर, लेकिन मेरा मकसद किसी को मारना नहीं था, किसी की जान लेना नहीं था। और बार बार गिराऊंगा मैं बम इस अंग्रेजी हुकूमत पर, क्योंकि मुझे आजादी चाहिए, मुझे आजादी चाहिए इस अंग्रेजी हुकूमत से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जब हम जय।